हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अमित सदा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले कि आप कैसे बहुत ही इजी तरीके से एक नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए पहले बहुत सारा चीजों का जरूरत पड़ता था, लेकिन अभी आप सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से आप अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। NSDL का सिग्नेचर वाला पैन कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सिंपली इधर सर्च करना है पैन कार्ड करके, तो मैं सर्च कर लेता हूँ। जब भी आप पैन कार्ड लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से सबसे पहले वाला देखिए NSDL.com। आपको सिंपली ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL इस ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अगर आप इस ऑप्शन को नहीं ढूंढ पाते हो तो मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हो। वेबसाइट पे आने के बाद आप देख सकते हो कि ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन करके एक पेज ओपन हो चुका है। तो सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन, इसमें हमको क्लिक कर देना है। एंड देखिए एप्लीकेशन टाइप में हमको न्यू पैन इंडियन सिटीजन 49 फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली कैटेगरी में इंडिविजुअल को चूज कर लेना है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में आपका जो भी टाइटल होगा उसको चूज करना है, एंड आपका जो भी सरनेम एंड फर्स्ट नेम होगा उसको सिंपली इधर एंटर कर देना है। फर्स्ट नेम एंड सर नेम एंटर करने के बाद आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है इधर एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपका ईमेल आईडी इधर एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो भी ईमेल आईडी है इधर एंटर कर देना है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल नंबर। आपका आधार कार्ड जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक है उस मोबाइल नंबर को सिंपली आपको इधर एंटर कर देना है। देखिए एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो एक बॉक्स है, इसको आपको सिंपली टिक करना है। एंड नीचे की तरफ जो कैप्चर है उसको सही से आपको देख के फिल कर लेना है। कैप्चर फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब भी आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एक पेज आ जाएगा कि आपका एक टोकन जेनरेट हो चुका है। एंड इधर आप देख सकते हो कि टोकन नंबर करके एक नंबर भी दिया गया है। इस टोकन नंबर को आपको सिंपली कॉपी कर लेना है, क्योंकि अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड आपका नेट चला गया, ठीक है, तो बाद में फिर से आप इस टोकन नंबर को देकर इधर लॉग इन हो सकते हो, ठीक है। तो मैं टोकन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। टोकन नंबर कॉपी करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब भी आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो थोड़ा लोडिंग दिखाएगा। एंड आप देख सकते हो कि एक नया पेज ओपन हो चुका है। इसमें देखिए 5 स्टेप्स है। 5 स्टेप्स में ही आप अपना पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड ये तरीका बहुत ईजी है। तो सबसे पहले देखिए तीनों ऑप्शन है, इसमें से जो पहला ऑप्शन है इसमें EKYC एंड ई-साइन एंड ब्रैकेट में देखिए पेपरलेस लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करके पैन कार्ड का ये जो एप्लीकेशन है ये करते हो तो आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आपका जब पैन कार्ड आपके घर में आएगा तो उसमें सिग्नेचर नहीं आएगा, एंड आपका जो भी पिक्चर है वो आधार से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको जो सिग्नेचर है वो आपको मैनुअली आपको एक पेन से कर लेना है। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को चूज करते हो तो आपका जो भी पासपोर्ट साइज फोटो है एंड सिग्नेचर है उसको आपको इधर अपलोड करना पड़ेगा, एंड आपका जो आधार कार्ड है उसको भी इधर स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सेकेंड ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। सेकेंड ऑप्शन चूज करने के बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है। एंड देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आधार नंबर। आधार कार्ड का देखिए लास्ट 4 डिजिट देने के लिए इधर बोला जाएगा। आपका आधार कार्ड का जो भी लास्ट 4 डिजिट है सिंपली आपको इधर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है नेम एज पर आधार। आपका आधार कार्ड में जो भी नेम है आपको सिंपली इधर सही से देखकर एंटर कर देना है, ठीक है। नेम एंटर करने के बाद देखिए फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट। आपका जो भी फुल नेम है आपको सही से इधर चेक कर लेना है, एंड आपका डेट ऑफ बर्थ भी फिर से इधर चेक कर लेना है। एंड देखिए जेंडर में आपका जो भी जेंडर है उसको चूज कर लेना है। एंड आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद देखिए आपका फादर का नेम इधर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। आपका फादर का जो भी सर नेम है एंड फर्स्ट नेम है उसको सिंपली इधर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद देखिए नीचे की तरफ आपका एक मदर्स नेम करके भी ऑप्शन है। अगर आपका फादर नहीं है एंड ओनली मदर है तो आप मदर को चूज कर सकते हो, अदरवाइज आप फादर को ही रहने देना। उसके बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि आप थर्ड ऑप्शन पे आ चुके हो। इसमें सोर्स ऑफ इनकम करके एक ऑप्शन है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो सैलरी चूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको सिंपली नो इनकम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए एड्रेस। यहाँ पर आप जो एड्रेस दोगे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपका आधार में जो भी एड्रेस है उसी एड्रेस पे आपका पैन कार्ड घर में भेज दिया जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको इधर एक रेसिडेंशियल एड्रेस आपको देना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले रेसिडेंस को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए आपका जो भी ब्लॉक नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, सब डिविजन, डिस्ट्रिक्ट
कंट्री नेम, स्टेट, पिन कोड सब कुछ इधर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपका जो भी एड्रेस है आपको सिंपली इधर फिल कर लेना है, तो मैं फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ जाना है, एंड देखिए इधर एक ऑप्शन है ऑफिस एड्रेस। आपको ऑफिस एड्रेस में कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो एंड आप होम पे नहीं रहते हो तो आप ऑफिस एड्रेस दे सकते हो, ठीक है, अदरवाइज इसको छोड़ देना। उसके बाद नीचे की तरफ देखिए टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स। इसमें आपका जो भी टेलीफोन नंबर है मतलब मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों दिखाएगा। एंड ऊपर में देखिए कंट्री कोड करके एक ऑप्शन है, इसमें अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया चूज कर लेना, अगर आप बाहर से हो तो बाहर को चूज कर सकते हो। चूज करने के लिए आपको सिंपली सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है एंड इंडिया लिख के सर्च करना है। देखिए चूज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि एओ कोड करके एक ऑप्शन आ चुका है। इसमें आप अगर इंडियन सिटीजन हो तो आपको सिंपली इंडियन सिटीजन चूज कर लेना है, एंड आपका जो भी स्टेट है इधर से आपको चूज कर लेना है, एंड आपका जो भी सिटी है उसको भी इधर से चूज कर लेना है, ठीक है। चूज करने के बाद देखिए सबसे पहले वाला जो ऑप्शन आएगा उसमें सिलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एक फॉर्म आ जाएगा कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप क्या देना चाहते हो। तो सब कुछ हम आधार से ही करेंगे, तो आपको सिंपली आधार चूज कर लेना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आधार एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी आधार, ठीक है। सब कुछ देने के बाद नीचे की तरफ देखिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसमें आपको सिंपली हिमसेल्फ और हरसेल्फ को चूज कर लेना है एंड प्लेस में आपका जो भी सिटी है उसको सिंपली इधर लिख देना है, ठीक है। सिटी देने के बाद देखिए नीचे की तरफ आपका अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करके दो ऑप्शन है, तो आपको सिंपली आपका इधर पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा, एंड उसका साइज क्या होगा 50 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एंड वो JPEG मतलब एक पिक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए, PDF में इधर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो पिक्चर अपलोड करने के लिए देखिए राइट साइड में एक रेड बॉक्स है, इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है एंड आपका जो भी पिक्चर है उसको चूज कर लेना है एंड ओपन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए मेरा पिक्चर का जो नेम है वो आ चुका है, आपको सिंपली अपलोड पे क्लिक कर देना है। जब भी आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो आप देख तो कि मेरा जो पिक्चर है वो इधर अपलोड हो चुका है। ऐसे ही सेम तरीकों से आपको सिंपली आपका जो भी सिग्नेचर है उसको भी इधर अपलोड कर लेना है। तो मैंने देखिए सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। पिक्चर एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद देखिए अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आपका जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है इधर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल आधार कार्ड से इस पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो सिर्फ आधार कार्ड को ही मैं इधर अपलोड करूंगा, ठीक है। आधार कार्ड अपलोड करने के लिए देखिए इधर आधार कार्ड का जो फॉर्मेट है वो PDF में होना चाहिए एंड 300 KB के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं आधार कार्ड को अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के लिए सिंपली आपको रेड बॉक्स पे क्लिक करना है एंड आपका जो भी आधार कार्ड का PDF है उसको ओपन कर देना है एंड आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। जब भी आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो आप नीचे की तरफ देख सकते हो कि एक आधार कार्ड करके ऑप्शन इधर ऐड हो चुका है एंड रिमूव भी दिखा रहा है। जब रिमूव दिखाएगा उसी वक्त आप समझ लेना कि ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते आप देख सकते हो कि पर्सनल डिटेल्स करके एक ऑप्शन आ चुका है। इसमें आपको सिंपली आपका पैन कार्ड का फुल डिटेल्स फिर से चेकआउट कर लेना है कि सब कुछ आपने सही से दिया या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका आधार का फास्ट 8 डिजिट देने के लिए बोला जाएगा। आपको सिंपली आपका जो भी आधार कार्ड का फास्ट 8 डिजिट है आपको सिंपली इधर एंटर कर देना है। फास्ट 8 डिजिट एंटर करने के बाद आपको सिंपली पूरा जो फॉर्म है उसको चेकआउट कर लेना है कि आपने सब कुछ सही से दिया या नहीं। चेक करने के बाद देखिए हमको सिंपली नीचे की तरफ जाना है एंड प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जब भी आप प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो पेमेंट करने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा मोड ऑफ पेमेंट। इसमें आपको सिंपली ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम को चूज कर लेना है, क्योंकि अगर आप पेटीएम को चूज करते हो तो आपको एक स्कैनर मिलेगा एंड आप इजीली किसी भी एक UPI ऐप से स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम चूज कर लेता हूँ एंड नीचे की तरफ चला जाता हूँ। एंड देखिए इधर एक एग्री करके टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको सिंपली टिक करना है एंड प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जब भी आप प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करोगे तो एक कंफर्म पेमेंट करके ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको सिंपली पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जब भी आप पे कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि आपका जो भी स्कैनर है वो आ चुका है एंड आपको 106 रुपीज आपको इधर एक पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं स्कैन करके इधर पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट होने के बाद आप देख सकते हो कि योर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस। हर एक पैन एप्लीकेशन के वक्त आपको ऐसा ही दिखाएगा, इससे आपको डरने वाला बात नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, इधर होम पे क्लिक कर देना है
एंड कंटिन्यू विथ एप्लीकेशन इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब भी आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपने पहले से ही एक टोकन नंबर जनरेट किया था, उसको मैंने कॉपी करने के लिए बोला था, उस टोकन नंबर को सिंपली आपको इधर एंटर कर देना है। एंड पैन एप्लीकेशन करते वक्त आपने जो भी ईमेल आईडी इधर एंटर किए थे उस ईमेल आईडी को सिंपली इधर एंटर कर देना है। तो मैं ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑफ बर्थ। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको सही से इधर एंटर कर देना है। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलत दे दिया तो ये टोकन नंबर एक्सपायर दिखाएगा या ये दिखाएगा ये टोकन नंबर गलत है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कैप्चर कोड, इधर जो भी कैप्चर है उसको फिल कर लेना है एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने सब कुछ सही से एंटर किया होगा तभी आपके पास ऐसा एक पेज आ जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन करके। आपको सिंपली इस पेज पे सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेना है कि मेरा नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब कुछ सही है या नहीं। उसके बाद आपको सिंपली इस टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो बॉक्स है इस पे टिक करना है एंड नीचे की तरफ जो कंटिन्यू है उस पे क्लिक करना नहीं है, आपको सिंपली ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है, ठीक है। जब भी आप ऑथेंटिकेट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा एक ओटीपी ऑथेंटिकेट करके ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली आपको ओटीपी ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। जब भी आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका आधार के साथ जिस भी मोबाइल का लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, सिंपली आपको उस ओटीपी को इधर एंटर कर देना है। तो मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं इधर एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब भी आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद फिर से आपको एक बार ई साइन करना पड़ेगा, ठीक है। ई साइन करने के लिए आपको सिंपली कंटिन्यू विद ई साइन पे क्लिक कर देना है। जब भी आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस करके एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे पहले एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे आपको सिंपली टिक करना है एंड आपका जो भी आधार नंबर है इधर एंटर कर देना है। तो मैं आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको सिंपली सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जब भी आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो फिर से आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, सिंपली आपको उस ओटीपी को इधर एंटर कर देना है। तो मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं इधर एंटर कर देता हूं। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सिंपली वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जब भी आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे तो थोड़ा लोडिंग दिखाएगा एंड आप देख सकते हो कि एक पीडीएफ ओपन हो चुका है। ये पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है एंड इसका पासवर्ड क्या है वो आपको कैसे पता चलेगा। इस पीडीएफ का पासवर्ड है आपका डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 है तो आपका इधर पासवर्ड होगा 01012000, ठीक है। इसी तरह से आप अपना डेट ऑफ बर्थ को इधर एंटर कीजिएगा एंड वही होगा आपका पासवर्ड, ठीक है। तो मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। जब भी आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि मेरा जो पैन का एप्लीकेशन फॉर्म है वो इधर शो कर रहा है। ये शो करने के बाद आपको और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है क्योंकि जब भी ये फॉर्म आ जाएगा इसका मतलब है आपने पैन एप्लीकेशन सक्सेसफुली कर दिया है। उसके बाद देखिए इधर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर करके ऑप्शन है, इस नंबर को आप सेव कर सकते हो क्योंकि इस नंबर को देखे ही आप बाद में इसका स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। पैन एप्लीकेशन करने का 3 to 5 days के अंदर आपका मेल में एक ई पैन भेज दिया जाएगा एंड जो फिजिकल पैन कार्ड है वो 7 to 30 days के अंदर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपका में आ जाएगा। तो ऐसे ही सिंपल तरीकों से आप NSDL से सिग्नेचर वाला पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा चैनल का जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।